स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से टेंस परिवर्तन का नियम, जैसे मैंने आपको प्रोनाउंस जो चार्ट होता है चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन में, वो मैंने आपको पहले अपलोड कर दिया है और उसके बाद में टेंस परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो से आप समझ जाएंगे कि ये जैसे डायरेक्ट से नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। स्टूडेंट्स, ध्यान की बात यह है कि टेंस परिवर्तन बहुत सरल तरीके से ये आपको हम समझाएंगे कि इधर जैसे यहां पर प्रेजेंट टेंस और यहां लिख लो आप को पास्ट टेंस में बदलते हैं, बस इतना आपने समझा, पास्ट टेंस में बदलते हैं। सही तरीका ये है कि अगर डायरेक्ट नरेशन में आपको कोई क्रिया मान लीजिए राइट दे दे या सिंगुलर सिंग्स दे दे, तो ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो राइट का भी वही होगा, सिंग्स का भी वही होगा टेंस पास्ट। तो राइट का जब हमें चेंज करना, जैसे आई राइट एन एस ए, आई राइट ए लेटर या कुछ भी लिखना हो, तो इसका नरेशन इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, याद रखें स्टूडेंट्स, रोट करते हैं और सिंग्स का सेंग करेंगे। ये रूल्स आपको अपनाना है। अब अगर निगेटिव की बात आती, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है, डू नॉट या डज नॉट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो इसको हम क्या बदल देंगे, डिड नॉट में बदल देंगे। डिड नॉट में बदल दिया, कितना सरल नियम। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हुई, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सरल है, इज आर एम को बाज वर्ब में बदल दें आप, ये आपको सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर अगर है तो आई के साथ भी बाज आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज और प्लूरल के साथ वर, इज आर एम को चेंज करके जो भी हमारे प्रोनाउंस परिवर्तन के नियम जो पढ़ेंगे फिर लिखेंगे उनके अनुसार हम इनको यूज करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे आया, तो यहाँ पर जैसे हैज हैव, हैज हैव को हम याद रखें स्टूडेंट्स, हैड में ही चेंज करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे हैज बीन, हैव बीन, इसे जब हम चेंज करेंगे तो समझ जाएं आप, मैंने पहले ही नोट कर दिया, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं। ये रूल्स आपने एक बार आपको लर्न करना है, फिर कभी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पास्ट टेंस को, यहाँ को लिख लें, पास्ट टेंस को पास्ट में ही बदलते हैं, ये याद, पास्ट में ही बदलते हैं। अगर नरेशन सही ढंग से सीखना है तो केवल आपको इस चार्ट जो प्रोनाउंस वाला मैंने चार्ट डाला था वो और ये टेंस परिवर्तन, दो एक और नियम हम डालेंगे, बस ऐसे समझ लीजिए कि आपके नरेशन बिल्कुल सही हो जाएंगे, नरेशन में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पास्ट इंडेफिनिट मैंने लिखा और इसे आपने देखा, जैसे वहाँ पर मैंने दो क्रियाएँ लिखी, अगर आपकी क्रिया रोट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई नरेशन दे दे, तो इसको आप याद रखें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ना भूलें। वैसे ही ऐसे अगर मैंने सेंग भी वहाँ किया, सेंग इधर आ जाए, तो यहाँ पर याद रखें स्टूडेंट्स कि हैड संग ही होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल हैं, और अगर इसमें आपको कहीं पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दे कोई फर्स्ट फॉर्म, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म करना है भाई,
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कोई कर दे तो वाज वर अपने साथ में जेरंड शब्द आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो शब्द होते हैं वो आते हैं, गोइंग है, रीडिंग है, टीचिंग है, ये वाज वर के साथ में आईएनजी प्लस होता है। तो इसके साथ में याद रखें स्टूडेंट्स, हैड बीन में ही बदलेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर ये आपको दिए जाएं, यहाँ जैसे हैड है तो यहाँ आपको हैड ही करना है, और अगर हैड बीन आता है तो यहाँ पर आपको हैड बीन ही करना है, ये याद रखें। इस तरीके से दो टेंस देखो आए आपको समझ में कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदलते हैं पर पास्ट टेंस को पास्ट में ही बदलते हैं, ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको प्रॉब्लम सामने आए। तो देखो इसे मैं हटा रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ फ्यूचर टेंस को भी मैं दे रहा हूँ, केवल आपको समझना है। एक बार समझने के बाद में आपको नरेशन की दिक्कत प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। जैसे फ्यूचर टेंस को पास्ट फ्यूचर में बदलते हैं, ये याद रखें। जैसे इधर डायरेक्ट नरेशन में आपका अगर कभी विल आए तो इधर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। इधर अगर शैल आए तो इनडायरेक्ट की तरफ क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए। इधर कैन आए, ये मॉडल वर्ब भी कही जाती हैं, कुड, और मे अगर आए तो माइट। ये स्टूडेंट्स बहुत कायदे से ध्यान रखेंगे, कतई कठिन नहीं है। अगर आपकी ये चार जो हमने यहाँ मॉडल वर्ब लिखी हैं इन्हीं को अगर पास्ट में डायरेक्ट में भी इनको दे दिया जाए पास्ट को, तो पास्ट में ही बदलेंगे। जैसे वुड को वुड में ही चेंज करेंगे, शुड को शुड में ही चेंज करेंगे, कुड को कुड में ही चेंज करेंगे, माइट को माइट में ही चेंज करेंगे। अब अगर आपका यहाँ पर मस्ट शब्द आ जाए, तो अगर देश सेवा हो, भक्ति भाव अगर हो, तो मस्ट का मस्ट ही रखें, और मस्ट को याद रखें। अगर आम बात हो, साधारण कार्य की बात चल रही हो, तो इसे हैज टू, हैव टू और हैड टू में चेंज करें तो ही आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर एक और शब्द ऑफ टू, तो इसे हम इसी में रहने देते हैं। इस तरीके से आपको फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से टेंस परिवर्तन का जो नियम मैंने नोट किया है, ये टेंस परिवर्तन का नियम एक बार याद कर लें। प्रोनाउंस परिवर्तन का चार्ट मैंने डाल ही दिया है, और हो सकता है कल मैं आपको जो नियरनेस वर्ड्स में चेंजिंग होती है वो भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। देखें वीडियो और समझें, और समझ करके फिर बताया भी करें भाई कमेंट करके कि कैसे रूल्स आपको लग रहे हैं, पसंद हैं या नहीं। तो आगे और अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा। थैंक यू।